देखिए ऐसी बात है, अगर कॉल मतलब रियल अगर लेने वाला हो एक बकरी के लिए तो भी कॉल करे, नहीं तो क्या कि कॉल करते बोलते हैं कि उसकी वीडियो भेजो वो भेजो वीडियो, एक एक बकरी का 20-20 बार वीडियो मंगवा लेते हैं, ठीक है, और वापस बात ही नहीं करते, वापस बात नहीं करते, जैसे बोलते जैसे मान लो ये बकरा 5,000 का है तो उनको चाहिए कि इनको बेचनी है तो बोलते कि वो 500 रुपये में दे दो। ऐसा विचार हुआ बकरी पालन करने का, मेरे को थोड़ा बताइए। बकरी पालन का विचार तो ऐसा हुआ कि मतलब कि काम तो कर ही रहे थे, कुछ काम कर रहे थे इधर उधर कुछ, कभी मैं वैसे मतलब कमटेक का कारीगर था, ठीक है, तो आरसी काम कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है, धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया, बोला काम कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो काम क्या काम कर तो करे क्या, सही है, यानी कि आज 5-6 लाख रुपए लगाए कोई भी काम हो तो उनमें मतलब मुनाफा आए या ना कोई जरूरी नहीं है, सही है, कब आए इसका मुनाफा। और तो किसी से सलाह ली तो बोला आप बकरी पालन करो। हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोर विद जीपी पर। दोस्तों पीछे बहुत अच्छा एक ब्रीडिंग सेटअप आप देख रहे हैं, एक ही साल पहले ये ब्रीडिंग सेटअप यहाँ पर शुरू हुआ था और बकरियों से ये शुरू किया गया है। आप देखिए बहुत मस्त है और बहुत अच्छी जगह है, प्रकृति की गोद में ये भाई साहब ये रह रहे हैं। और सालवा गांव है, पिपाड़ से 30-40 किलोमीटर की दूरी है लगभग। और ये देखो वीडियो शुरू में कर रहा हूँ, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो देखते हुए कमेंट करिएगा। वीडियो में शुरू कर रहा हूँ, बकरियाँ देखिएगा, गुलाबी में शो किया इन्होंने, देखते हैं बकरियाँ और जानते हैं किसान से इसके फार्म के बारे में पूरा एक नॉलेज ले रहे हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ पर हैं हम, एक एग्जैक्ट लोकेशन बता दो मुझे। हम हैं किसान गोट फार्म में, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप है पिपाड़ से 20-25 किलोमीटर है और इधर बनार से भी अपने 20 किलोमीटर है, ठीक है, सालों कला गाँव है और रेलवे स्टेशन यहाँ पर पड़ता है पिपाड़ रोड जंक्शन। अच्छा हम थोड़ा दूर से आए थे इसलिए हमें 38-40 किलोमीटर बताया। हाँ आप थोड़ा दूर से आए इसलिए। अच्छा, ये फार्म कब से कर रहे हैं आप? मैं फार्म कर रहा हूँ ये 2023 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। 2023 फरवरी से? हाँ, एक साल ही हुआ है? नहीं एक साल का, 23-24 फरवरी हो गया चल रहा है, एक साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ डेढ़ साल हो गया, डेढ़ साल करीबन हो गया है फार्म को। कितनी बकरियाँ ली थी सबसे पहले? हमने ली थी 5 पाटल ली थी टोटल, नहीं 12 बकरी बड़ी थी पाटे सहित और कुछ छोटे बच्चे थे, लगभग टोटल 20 लाए थे। अभी मैं देख रहा हूँ फार्म पे बच्चे बहुत ज़्यादा है। अभी बच्चे तो बच्चे बड़ी बकरी ही तो थी, सबने बच्चे दिए। हाँ, सबने बच्चे अभी तीसरी बार बच्चे दे रहे हैं, सभी तीसरी बार दे रहे हैं। हाँ एक डेढ़ साल तीसरा बच्चा भी देने वाले, इसमें प्रेगनेंट है। बीच में बच्चे बेचे भी थे? हाँ बेचे भी थे, कुछ बड़ी बकरियाँ भी बेची जो लाए थे उसमें से कुछ सेल भी की। हाँ वो दिख गया मेरे को, मेरे वही सोच रहा हूँ कुछ बकरियाँ मेरी हाथ की दिलाई हुई है या समझ लीजिए। दोस्तों हमारे एक मित्र हैं गोपाल जी से। हाँ गोपाल जी से। कितनी ली थी उसमें? गोपाल जी से ली थी मैंने 8 बकरी ली थी। हाँ हाँ ये देखिए उसमें सब एक बकरी बची मेरे। दोस्तों बता देता हूँ बारिश की वजह से थोड़ी बकरियाँ थकी हुई आपको दिख सकती है, लेकिन ली भाई साहब ने पूरी सौजत के अंदर है। ये देखो ये थोड़ा ऊपर करके दिखाओ, कान छोड़ दो बस आप तो दिखाओ आराम से। ये भी गोपाल जी से लेकर आए थे, ये लेके आए थे आपने दिले दी ये? बिल्कुल समझ लीजिए आप। और इन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा भाई साहब मैं तो नहीं आ पाऊंगा, हमारे एक मित्र हैं उनसे जाके आप बकरियां ले लीजिए। 8 बकरियां ली थी उनसे, फिर और कहीं से 4-5 बकरी ली, उन्होंने घूम के दिलाई थी, घूम के दिलाई, कोई चार्ज नहीं लिया था, ऐसे ही मतलब अपने आपके हिसाब से दे रही थी। चलो बोले कि गोविंद भाई का आदमी है तो उसने कुछ अपने से नहीं लिया था कुछ डिस्काउंट। सही बात है, नहीं गोविंद भाई तो खुद चार्ज लेते हैं। सीधी बात है यार भाई, नहीं वो लेता लेकिन मैं वीडियो बनाता हूँ पर वो मेरा आदमी है तो मेरे बोला भाई तुम जाओ और दिलाओ। नहीं उन्होंने मेरे से चार्ज नहीं लिया था कोई। नहीं नहीं वो वीडियो देखते हैं हमारा। गोपाल जी एक बार कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि ये भाई साहब जो है उनमें से ये कितनी कितनी। हाँ बताइए इसके बारे में बताइए क्या। गोपाल जी से लाए थे मैं 8 बकरी। हाँ 8 में से कुछ बकरियाँ जो अच्छी थी, मतलब बकरियाँ सब गोपाल जी से दी, वो एक नगीना थे सब, ठीक है, तो अच्छी रेट मिली थी, मैंने उसको सेल कर दिया था। बहुत गुलाबी थी। हाँ। और 8 बकरियों में से कुछ पाटे भी थी ना बाद में? 5 पाटे थी। हाँ 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 उनमें से 2 पार तो हमारे यहाँ 40-40 हज़ार में बिक गई थी, सोच थी। और एक अभी अपने कोई 7 दिन में मेरे यहाँ पर क्रॉस के लिए भेजी थी वहाँ बिक गई। फिर यहाँ पर बकरे का क्या मेंटेनेंस किया आपने? मेंटेनेंस बकरा मेरे पास था। अच्छा बकरा अपने पास था है ना, अपने खुद का ब्रीडर था। और अभी बकरी सारी क्रॉस हो गई, 1-2 बकरी जो खाली थी वो हमारे यहाँ मित्र है अपने पाचाराम जी है, ठीक है, 7-3 बार उनके वहाँ जाके बकरी वहाँ पे क्रॉस करवा दी 4 बकरी। अच्छा वहाँ से क्रॉस करवा दी, तो बच्चे कितने बेचे इसमें फार्म से? इसमें से बच्चे तो कम बेचे, बड़ी बकरी ज़्यादा बेचती, जो भी लाए थे उसमें से जो बड़ी बेची बच्चे बेच दिए, 10 से 1 बच्चे बेचे हैं। बकरियाँ ये पाठे देख रहा हूँ बहुत गुलाबी के अंदर है। हाँ ये बकरा गुलाबी था अपने पास? नहीं गुलाबी नहीं था बकरा हमारा, गुलाबी नहीं था, ये लाए गुलाबी अब, ये खरीद के लाए। हाँ ये खरीद के लाए। देख कहाँ से लाए थे ये? ये लाए थे इधर गांव से, कोई हमारे पास गांव से। कितने महीने का?
अब ये हो गया 4 महीने का। क्या रेट में पड़ गया ये? ये तो उसमें महंगा पड़ा, लेकिन कोई पसंद का कोई पैसे नहीं, रेट नहीं होती है। खरीद के लिए आए बस के लिए, अपने को ब्रीडर चाहिए। ब्रीडर चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये लेके आ गए लेकिन है अच्छा। हाँ अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है। देखो ये पूरा मार्बल सिंह मतलब गुलाबी के अंदर है, प्योर गुलाबी है। तो मैं तो इसे रेट में बोला तो मेरे भाई ने बोला कि पसंद का कोई पैसा नहीं होता है। सही बात, आपको पसंद आ गया, मैं बोला आ गया तो चलो लेके आते हैं। मुश्किल भाई तब तक वो बकरियां बाहर निकालो, सारी की सारी अंदर ही चली गई यार, निकालो आप। ये थोड़ी थोड़ा सा करो ना, इनको बारिश का मौसम है थोड़ा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर खाने का फीड मैनेजमेंट क्या करते हैं आप? अभी तो यही नज़दीक है अपने पास। ये देखो दोस्तों, ये कितने कितने बीघा में है अपने? ये है 8 बीघा में। गाय पालन भी है, कृषि पूरा है, किसान तो आप पूरे, किसान तो है ही है। तो कैसा विचार हुआ बकरी पालन करने का, मेरे को थोड़ा बताइए। बकरी पालन का विचार तो ऐसे हुआ कि मतलब कि काम तो कर ही रहे थे, कुछ काम कर रहे थे इधर उधर कुछ, कभी मैं वैसे मतलब कमटेक का कारीगर था, ठीक है। अच्छा, तो RCC काम कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है। धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया, बोला कभी उधर जा रहे कभी उधर जा रहे, तो काम कर तो करे क्या। सही है, यानी कि आज 5-6 लाख रुपये लगाए कोई भी काम हो तो उनमें मतलब मुनाफा आए या ना कोई जरूरी नहीं है। सही है, कब आए इसका मुनाफा। और तो किसी से सलाह ली तो बोला आप बकरी पालन करो। तो आपके कोई वेटनरी डॉक्टर भी थे? हाँ भाई है ना, हमारे भाई वेटनरी डॉक्टर है। हाँ तो अब तो इलाज की तो कोई दिक्कत ही नहीं है? इलाज की दिक्कत नहीं है। आप खुद भी इंजेक्शन लगा लेते? हाँ इंजेक्शन लगा देता हूँ, मैं लगा देता हूँ, भाई लगा देते, वो उसके सलाह से लगा देते हैं। अब ये जो बकरियाँ दिख रही है इसमें बेचने का क्या है, क्योंकि ये बच्चे मेरे को सारे लग रहे हैं बिकाऊ है। हाँ बच्चे सारे सेल के लिए है। कितने बच्चे हैं टोटल? छोटे बच्चे हैं अपने पास, यानी कि 10-15 बच्चे हैं छोटे। 10-15 छोटे बच्चे हैं वो सेलिंग के लिए ना? सेलिंग के लिए। गुलाबी वाले बच्चे हैं दोस्तों। कितने कितने महीने से कितने कितने महीने तक के हैं? 4 महीने के भी है, 3 महीने के भी है। कान छोड़ो, कान नहीं। और 4 से 3 महीने 4 महीने के ही है, छोटे बच्चे हैं दोस्तों, छोटे बच्चे। और बारिश की वजह से थोड़ा सा माहौल ऐसा है, अभी बकरियां आपको हल्की दिख सकती है, लेकिन ये बकरियां हल्की नहीं थी, क्योंकि मैंने इनका वीडियो मैं प्रॉपर देखता रहता हूँ, ये मेरे को हर महीने भेजते हैं। और अभी बारिश की वजह से इन्होंने बोला भी था, लेकिन हम क्या है कि अब जब हम यहाँ आए हुए तो देखो विजिट तो करेंगे दोस्तों। आपको अगर चाहिए तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, कहाँ से भी, ऑल ओवर इंडिया में आप कहाँ से भी हैं सारा बकरे यहाँ से खरीद सकते हैं। ट्रांसपोर्ट में देखो यहाँ से गाड़ी हो जाएगी। हाँ गाड़ी हो जाएगी, गाड़ी कोई एक दो बकरी के लिए अगर कोई कॉल करता है तो आसपास में है तो ठीक है। देखिए ऐसी बात है, अगर कॉल मैंने रियल अगर लेने वाला हो एक बकरी के लिए तो भी कॉल करें, नहीं तो क्या कि कॉल करते हैं बोलते हैं कि उसकी वीडियो भेजो वो भेजो वीडियो, एक एक बकरी का 20-20 बार वीडियो मंगवा लेते हैं, ठीक है, और वापस बात ही नहीं करते, वापस बात नहीं करते। जैसे बोलते जैसे मान लो ये बकरा 5,000 का है तो उनको चाहिए कि इनको बेचनी है तो बोलते हैं कि वो 500 रुपये में दे दो, ऐसे ऐसे कॉल नहीं करे, ऐसे कॉल मत करिएगा भाई। जिसको लेना है अच्छा यही बता दो ना, अपने तो बकरियां कितने में खरीदी थी उनसे पता चल जाएगा। नहीं मैंने बकरी खरीदी थी जैसे भी देखो उनसे मैंने कमा भी लिया, ठीक है, ठीक है। कोई बकरी 30 में खरीदी थी, कोई 40 में, कोई 15 में खरीदी थी, ठीक है, वो अलग अलग जैसे खरीदी थी। इनकी खरीदी भी इतनी है क्योंकि ये इन्होंने घूम घूम के बगड़ी नगर में हमारे वीडियो देख देख के बगड़ी से लेकर बकरियां खरीदी थी, और उस समय तो और भी ज्यादा बकरियां थी, उस समय ज्यादा, फिर भी कम है अब बकरियां मेरे पास 70+ थी बकरियां, 70+ थी, जोरदार लोड निकाल दिया ना आपने। हाँ 20+ बकरी लाया था और 5 बकरी घर की थी, उनसे मतलब प्रॉफिट हुआ आपने? ये प्रॉफिट अच्छा हुआ, क्योंकि अब तो आपका तो ये खाना पीने का थोड़ा सस्ता पड़ गया। अभी देखो मैं बताऊँ, 4 महीने दिए फूले, उसके बाद में 2-3 महीने अपने जो खेजड़ियाँ हैं इनसे हो जाएगा, ठीक है, फिर 4 महीने तो निकालने अपन को। सही बात है, और दोरा 4 महीने ही निकालना है। तो इसमें अभी क्या है कि थोड़ा मतलब इसको जौ वगैरह खिला लेते वो उसका मैनेज इसमें निकल जाता हो जाएगा। बच्चे छोटे हैं, ये देखिए 4 महीने के जो बकरी से लाया था ना, उन बकरी का देखिए, ये गोपाल जी बकरी का रिजल्ट है, ये रिजल्ट आया ना, ये देखो बिल्कुल गुलाबी आया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, इतनी वाइट है कि वो पूरी की पूरी मतलब वाइट में ही दिख रही है, लेकिन आप समझ जाइएगा कोई डॉट नहीं है, ठीक है, विदाउट डॉट लेस है ये देखिए। तो टोटल अभी बड़ी बकरियां कितनी है, ये 1, 2, 3, 4, 15, 17 बकरियां हैं, और बच्चे 15-16 हैं, तो और वो भी सेलिंग के लिए है, और कुछ 5 बच्चे हैं जो मतलब खसी है, बड़े खसी करवाए हुए, खसी करवाए हुए, ठीक है, वो भी आप दे देंगे ना। हाँ उसमें क्या थोड़ा ब्रीडर की वजह से थोड़ा रिजल्ट डाउन आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बकरे तो बकरे के रेट से बिकेगी, सीधी सी बात है, वो उसको खसी करवा दिया, देखने वाले भी समझ सकते हैं बिल्कुल। और थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, ये मेरे को बड़ा यूनिक लग रहा है, ये बताओ ना ये कैसे बनवाया, ये वाला इसको क्या बोलते हैं, ये नदी से लाते वही है ना, ये अपने मारवाड़ी में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अपने वैसे बोले छान, हाँ और टाप भी बोलते हैं इनको, झोंपड़ी। और ये इसमें तो सर्दी गर्मी बारिश सब जगह मतलब मौसम ये बनाया हुआ ना, गर्मी के लिए ये बनाया था, ये अनसक्सेस हो गया था,
वो हो गया अनसक्सेस। हाँ। फिर ये बनवाया आपने? ये हमने बनवाया। क्या खर्चा आ गया भाई साहब? देखिए मैं अंदर आऊँ एक बार, देखो। हाँ चलो दिखाओ ना, हम तो ये चीज़ें दिखाना चाहते हैं भाई। ये तो है हमारे इधर की मिल जाती है, ये जो नीम है लगा हुआ, नीम का पेड़ उन्हीं का है। ठीक है। और नीम की तो लकड़ी हो गई है, नीम की लकड़ी हो गई। ठीक है। उसमें कुछ बलि लेकर आए, यानी 5000 की बलि आई थी, वो अलग से मंगवाई। हाँ। ठीक है। और 3000 का आया था तिरपाल अपने, इस पे तिरपाल भी लगा है। हाँ तिरपाल भी चलेगा भाई, आगे नहीं। ठीक है, ताकि बरसात के मौसम। अच्छा, वो उस साइड में। हाँ। मतलब जो उस साइड में। हाँ। लगा हुआ है कि भाई इधर बारिश का छींटे। हाँ। आ भी जाए। हाँ। तो वो उधर सेटअप हो जाए, फिर ये लगाने के लग गए। हाँ, यानी इसका कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं है, गर्मी में भी। लेकिन ये सेटअप करने के वाला भी तो आदमी तो चाहिए ना, ये किसने किया फिर? ये हमारे यहाँ मिल जाता है। हाँ, वो परमानेंट करने वाले, परमानेंट करने वाले 500 रुपये आज देते हैं। कितने दिन में हो गया ये? तो 2 दिन में कर दिया। बहुत शानदार और जबरदस्त बना है। अच्छा है। वो अलग चीज़ है ना भाई, ये हाँ। चीज़ें मिलती कहाँ है? आप फार्म बना दोगे लेकिन ये नहीं मिलेगा। वो बोला भाई ने, वो अनसक्सेस हो गया ना, देख लो हमने तो फिर इसको सेटअप किया है। देखो हमने खुला भी रखा था। हुँ। तो खुला इसलिए रखा कि भाई इसमें से हवा आ जाएगी। ठीक है। और बारिश में मतलब गर्मी में काम आ जाएगा, तो ना तो गर्मी का काम रहा, और गर्मी के काम में अगर रहे तो पूरा पंखा लगाना पड़ता है, तो खर्चा भी तो जाता है, पंखे का बिल भी तो आता है। ठीक। गाँव की आबो हवा में बकरियाँ पल जाती है बस। तो फिर ये खुला भी रखा तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आता। सर्दियों में भी ये तो खुला रहता, सर्दी आती है इससे, फिर बंद करो तो ये बनाया। तो गर्मी सर्दी बारिश वगैरह किसी भी समय ये ऊपर। अब ये थोड़ा नीचे वाला मैं नहीं आवा, तिरपाल पुराना हो गया, ऊपर और लगा दिया। चलो अब ये हटा देंगे। सही है। अच्छा, ये 15 बच्चे जो है कोई एक साथ मांगता है तो वो क्या रेट में दे दोगे? कुछ एक पट्टी का रेट रखोगे? हाँ वो वैसे अगर मतलब कोई छांट के लेगा, जैसे ये बच्चे है देखे। अब ये कितने महीने का है? ये हो गया अपने 3-4 महीने को गया। 4 महीने को गया। हेल्थ कैसे रह गई? मतलब ये ये छोटा, इसके क्या माँ ने 3 दिए थे। अच्छा, तो इन माँ का थोड़ा दूध उसमें कि गर्मी में दिया था। मान लो अपन तो 15 का बात करो ना, कभी 15 अगर कोई मानता है, क्योंकि अपने पट्टी वाला खरीदार है ज़्यादा इसमें। तो ये बड़ी पाठे भी ये दोगे क्या? ये पाठ नहीं, पाठे नहीं दूंगा। कितनी पाठे रखी हुई है? ये पाठ है ऐसी तकरीबन अपने पास 5-7 पाठ है। 5-7 पट्टे रखी हुई। ये पीछे वाली पट है? हाँ ये भी पाठ है। और ये तो बकरा है, खस्सी है ना? बकरा। ये पाठा तो अभी थोड़ा नर्सरी, ये तो बकरी सारी निकले थी उसमें, ये ऐसी बकरी खड़ी ना ये देख। फिर भी आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। हाँ। और आप इनसे बात कर सकते हैं, बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। 70 बकरियां थी, वो वीडियो में नहीं बना पाया क्योंकि वो लोड बिक गया है, और ये शामिल में आ गया। 3 महीने उठा लीजिए ना, इसको उठा लीजिए एक बार, फोटो और बुला दिया। ये अभी रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है इसका। दोस्तों राय जरूर दीजिएगा भाई साहब में। भाई साहब एक बार फिर से नाम बताइए ना अपना। बाबूलाल गोदारा, किसान गोट फार्म। बाबूलाल जी है किसान गोट फार्म सालवा के अंदर, कला जोधपुर, जोधपुर राजस्थान के अंदर है हम। और भाई साहब का वीडियो बन चुका है, आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बारिश का टाइम हो चुका है और 4 बजे, लेकिन लग ऐसा रहा है कि भाई आज तो शाम जल्दी हो गया शाहरुख भाई, तो हम बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, और चाहिए तो आप इनको फ़ोन कर दीजिएगा, कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।